सनराइजर के लिए ऑलमोस्ट जो है ये मस्ट विन वाले गेम होंगे और जीटी ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हैं, तो जीटी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं और ये अपना यहाँ पे बेस्ट देंगी और कोशिश करेंगी यहाँ पे जीत के अपना जो है नेक्स्ट जो अगला क्वालिफायर होगा उसके लिए जगह सुनिश्चित कर लें। नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 17 का मैच नंबर 66 जो खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में, कब और कहां पे, तो राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में शाम के 7:30 में। और राजीव गांधी हैदराबाद में आपने देखा होगा इस सीजन जम के रन बन रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो यहां भी आपको 200 प्लस टारगेट देखने को मिल सकता है। दोनों टीम के पास अच्छे बल्लेबाज भरे पड़े हैं। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में अगर कुछ फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देके चला जाऊंगा, मीन्स दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी का भी टाइम निकालिए और सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर हम ग्राउंड डायमेंशन को लेकर बात कर लेंगे तो आपको जो है साइड बाउंड्री यहाँ पे काफी छोटा देखने को मिल जाएगा, जहां पर 64 मीटर और पीछे वाला 57-59 मीटर की बाउंड्री डायमेंशन होगी, जहां पीछे में आराम से अच्छे खासे स्कोर बनते हैं। अब अगर बात करेंगे राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद की पिच रिपोर्ट कैसे बिहेव करेंगी, तो बैटिंग पैडर्स विकेट होंगी, जहां पे औसतन स्कोर पहले 150 से 160 तक था, लेकिन इस सीजन में ये बढ़ के 200 प्लस चले गई है। हाईएस्ट टोटल 277, लोएस्ट टोटल यहां पे 80 का है। बात करेंगे वेन्यू टी20 स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेले गए 78, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 35, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 42। अगर हम यहां पे बात करेंगे T20 स्कोरिंग पैटर्न को लेकर, बिलो स्कोर 150 बने 35 टाइम्स, बिटवीन 150 टू 169 बने 12 टाइम्स, फिर अगर हम बात कर लेंगे बिटवीन 170 टू 189 बने 13 टाइम्स, और एवव 190 पे ध्यान दोगे तो बने 18 टाइम्स। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे फिर से आपको नॉर्मली 185 और 200 के आसपास का टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर हम रिसेंट मैच को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी पिच का एक्चुअल बिहेवियर जानना हो तो वहाँ पे जो रिसेंटली मुकाबला खेला गया उस पर आप बारीकी से ध्यान देना। तो 8 मई 2024 को लखनऊ सनराइजर सबसे लास्ट मुकाबला खेल के आ रही है, जहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाई थी 165 रन 4 विकेट नुकसान पे, जवाब में सनराइजर हैदराबाद 167 रन 0 विकेट नुकसान पे, फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 0, सेकेंड इनिंग पेसर 0 विकेट स्पिनर 0 विकेट। अगर हम बात करेंगे 2 मई 2024 को, इस मैच में तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने 10 ओवर के अंदर ही मैच को फिनिश कर दिया था। सनराइजर हैदराबाद 20 ओवर में 201 रन 3 विकेट नुकसान पे, जवाब में राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 200 रन 7 विकेट नुकसान पे, और लास्ट बॉल में थे मारने के लिए 2 रन और भुवनेश्वर कुमार विकेट लेके चले गए थे। फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 0, सेकेंड इनिंग पेसर 7 स्पिनर 0 विकेट। उससे पहले 25 अप्रैल 2024 को आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाई थी 206 रन 7 विकेट नुकसान पे, जवाब में सनराइजर 171 रन 8 विकेट नुकसान पे, फर्स्ट इनिंग पेसर 6 स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 3 विकेट स्पिनर 5 विकेट। अगर हम बात करेंगे पेस वर्सेज स्पिन लास्ट के 9 T20 मैचेज में, तो पेसर्स को मिले हैं 58 विकेट, स्पिनर के खाते में गए हैं 31 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड को लेके, तो दोनों टीम आमने सामने आई हैं 4 दफा, जहां पे 3 बार जीती है जीटी की टीम, 1 दफा जीती है सनराइजर हैदराबाद की टीम। लेकिन यह बात और है कि एसएच की जो बैटिंग यूनिट है ना इस बार, वो वैसे कुछ एक्सप्लोसिव नेचर की बल्लेबाजी दिखा रही है, जहां पे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी क्लास इन टॉप 4 में जो है इस टीम को जो है गहराई प्रदान करेंगे। और नीचे जाओगे तो वहां पे शहबाज अहमद, अब्दुल समद, ये लोग भी बल्लेबाजी में लास्ट में आके अच्छे खासे हिटिंग कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे जीटी के लास्ट 5 मैच, 9 रिजल्ट रन के वजह से कोलकाता के साथ, विन लॉस लॉस लॉस। अगर वही बात करेंगे सनराइजर का, विन लॉस लॉस। ध्यान रखिएगा सनराइजर हैदराबाद की जो स्टार्टर गेंदबाज होंगे ना, उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा, जहां पर मैं मानता हूं कि उमेश यादव के पास एक्सपीरियंस अच्छे हैं, लेकिन उनका जो लेंथ है वो सूट करेगा अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को। संदीप वारियर का भी यही हाल होने वाला है, मतलब फिर से एसआरएच के ओपनर अच्छा काम करके जा सकते हैं। बात करेंगे जीटी ओपनर को लेके, तो इनके पास आपको दिख जाएंगे 2 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज, जिसमें क्लास भर के हैं।
वो जो हार्ड हिटिंग करने भी जाएंगे ना तो उनके जो स्कोरिंग पैटर्न होते हैं वो हवा में कम ग्राउंड टच करते हुए चौका ज्यादा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मुझे लगता है कांटे भरी मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है जहां पे क्लोज बैटल में हो सकता है सनराइजर थोड़ा सा एज ले ले। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेकर, लास्ट मैच में दोनों टीम कैसे प्रदर्शन करके आ रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सनराइजर हैदराबाद, पूछो ही मत, सामने वाली टीम का बखिया इन्होंने उधेड़ दिया था। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इनके बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 75 और ट्रेविस हेड किए थे 89 रन। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार क्या स्पेल डाला था, 4 ओवर 12 रन 2 विकेट, कमिंस 4 में 47 रन 1 विकेट, शहबाज अहमद 2 में 9 रन। उसके अलावा यहाँ पे विजय वैश्यकांत जो है ये श्रीलंकन स्पिनर है, तगड़े स्पिनर है वैश्यकांत, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, 4 में 27 रन 0 विकेट। जयदेव उनादकट 2 में 19 रन 0 विकेट, नटराजन 4 में 50 रन 0 विकेट। बात करेंगे यहाँ पे जीटी को लेके, लास्ट मुकाबला में कैप्टन सुमन गिल हमारे किए थे शतक और यहाँ पे बीसी 103 रन, डेविड मिलर 16, शाहरुख खान 2। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे साइंस सुदर्शन 2-3 ओवर या फिर 5 ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं तो ट्रैव यहाँ पे जो है वन डाउन आ जाएंगे मैथ्यू वेड, ठीक है। फिर यहाँ पे गेंदबाजी में उमेश यादव 3 में 20 रन 1 विकेट, संदीप वाडिया 3 में 28 रन 1 विकेट, कार्तिक त्यागी 4 में 51 रन 0 विकेट, नूर अहमद 2 में 25, राशिद खान 4 ओवर 38 रन 2 विकेट, मोहित शर्मा 4 ओवर 31 रन 3 विकेट। जब ये टूर्नामेंट से ऑलरेडी जो है ना वो जीटी की टीम बाहर हो चुकी है तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी ये कर सकती है। अब आइए हम बात करते हैं जीटी की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। आपको दिख जाएंगे शुभम गिल, सुदर्शन, डेविड मिलर, शाहरुख खान, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कार्तिक त्यागी, उमेश यादव, नूर अहमद, मोहित शर्मा और एज एन इंपैक्ट संदीप वारियर। ध्यान रखिएगा मैथ्यू वेड यहां से सीधा वन डाउन भी आ सकते हैं अगर साहिल सुदर्शन फ्लॉप जाते हैं तो। गेंदबाजी में मोहित शर्मा 4 ओवर, राशिद खान 4 ओवर, उसके अलावा मुझे लगता है नूर अहमद 4 ओवर और बाकी के उमेश यादव, कार्तिक त्यागी और संदीप वारियर के बीच में 8 ओवर डिवाइड होगा और सामने लेफ्टी हैं तो लेफ्टी के सामने जो है ठीक ठाक ओवर जो है शाहरुख खान भी डाल सकता है। अब आइए प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आएगा किसका, वही प्लेयर जो सभी टीम के साथ अच्छा खेल जाता है, नाम शुभम गिल। यहाँ पे मुझे उनसे फिर से एक बार उम्मीद है अच्छा खासा और सामने देखिएगा ना लेफ्टी आपको दिख जाएंगे कौन कौन, ट्रेविस हेड, फिर आपको दिख जाएंगे अभिषेक शर्मा, शहबाज अहमद, तो नए बॉल ही हो सकता है शाहरुख खान के हाथ में। आप देख लो हेड टू हेड 13 मैच में 398 रन, 40 का एवरेज, वेन्यू पे मात्र 2 मैच में 3 रन, रिसेंटली 104, 216, 635। साई सुदर्शन हेड टू हेड 3 मैच में 130 रन, 35 का एवरेज, रिसेंटली 103, 684 पे नवाद 65, 31। डेविड मिलर हेड टू हेड 15 मैच में 273 रन, 27 का एवरेज, वेन्यू पे 7 मैच में 184 रन, 46 का एवरेज, रिसेंटली 16 पे नवाद 30, 26 पे नवाद 55 और 4 करके आ रहे हैं। फिर आपको वो प्लेयर दिखेंगे जिस पे जो है इस सीजन काफी निवेश की है, कौन सी टीम, यहाँ पे जीटी की टीम, नाम है शाहरुख खान। प्लेयर बहुत ही बड़ा है, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन इनका तो वैसे रोल इतना गंदा दिया था उन लोगों ने, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5 पे रेयर केस में आते थे, अब इनको फिक्स कर दिया है ऑलमोस्ट नंबर 4। पहले हम बात कर लेते हैं वेट को लेके, हेड टू हेड 1 मैच में 19 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 1 रन, रिसेंटली डू नॉट बैट 4-3-20-0। शाहरुख खान हेड टू हेड 4 मैच में 71 रन 18 का एवरेज, वेन्यू पे 1 मैच में 4 रन, रिसेंटली 2-37-58, 8 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट। राहुल तेवतिया हेड टू हेड 9 मैच में 101 रन, गेंदबाजी में उम्मीद नहीं कीजिएगा, रिसेंटली डू नॉट बैट 35, डू नॉट बैट 4-36 पे नवाद। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे राशिद करामती खान, इनका देखिएगा हेड टू हेड स्टैट्स तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है लेकिन वेन्यू पे अच्छा है। बहुत भाई को याद होगा एक टाइम ये एसआरएस से खेल भी रहे थे, हेड टू हेड 4 मैच में 31 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 21 मैच में 28 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 18 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 21 रन 0 विकेट और 1 विकेट। उमेश यादव को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 19 मैच में 14 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। मोहित शर्मा हेड टू हेड 14 मैच में 21 विकेट, वेन्यू पे 6 मैच में 8 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट लेके आ रहे हैं। फिर आपको दिख जाएंगे नीचे से नूर अहमद हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। कार्तिक त्यागी हेड टू हेड 3 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे तो उमेश यादव, कार्तिक त्यागी, संदीप वाडियर और कभी कभार मोहित शर्मा भी डेथ में, मोहित शर्मा, उसके राशिद खान, कार्तिक त्यागी और कभी कभार उमेश यादव भी। अगर हम बात कर लेंगे एज एन इंपैक्ट, संदीप वाडियर, इनका देखिएगा रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। इनके अलावा अगर किसी को मौका मिलता है तो आपके सामने स्टैट्स होगा उसके अनुकूल आप बैक करके चल सकते हो।
अब आइए मैचअप्स को लेकर बात कर लेते हैं जो मुझे मिनी जीएल जीएल में काफी हेल्प करता है अपना टीम बनाने में। पहला नाम शुभम गिल, भुवनेश्वर कुमार के सामने स्ट्रगल करते हैं, 47 बॉल 50 रन 3 दफा आउट हुए। उमरान मल्लिक का 11 बॉल 21 रन 1 दफा आउट हुए। शहबाज अहमद का 10 बॉल 13 रन 1 दफा आउट हुए हैं। साई सुदर्शन, कमिंस का 8 बॉल 9 रन 1 दफा आउट हुए। नटराजन का 7 बॉल 11 रन 1 दफा आउट हुए। मार्को यंसन का 16 बॉल 22 रन और 1 दफा आउट हुए हैं। फिर शाह भूवी का 33 बॉल खेले 41 रन किए 1 दफा आउट हुए। उनादकर का 24 बॉल 38 रन 1 दफा आउट हुए। मिलर, उमरान मल्लिक का 13 बॉल 13 रन 1 दफा आउट हुए। मार्को यंसन का 8 बॉल 6 रन 1 दफा आउट हुए। भुवनेश्वर का 29 बॉल 47 रन और 1 दफा आउट हुए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं सनराइजर हैदराबाद, जिसके लिए ऑलमोस्ट ये मुकाबला जो है वो मस्ट विन गेम में चला गया है। अगर ये नहीं भी जीतते हैं तो ऐसा नहीं कि बाहर हो जाएंगे, अगला मुकाबला जीत के पहुंच जाएंगे। दो में से इनको कोई एक मुकाबला जीतना है, लेकिन ये कोशिश करेंगे अपने आप को टॉप टू में फिनिश करवाना। देखिएगा ओपनर दिखेंगे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, हेंड्रिक क्लासेन, अब्दुल समद, सनवीर सिंह, शहबाज अहमद, उनादकट, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, उसके अलावा यहाँ पे विजय कांत और आपको दिख जाएंगे टी नटराजन एज एन इम्पैक्ट में। गेंदबाजी में बात कर लेंगे पैट कमिंस, भुवनेश्वर और नटराजन, ये तीनों 12 ओवर कन्फर्म डालेंगे। बाकी के जो 8 ओवर हैं वो जाएगा उनादकट के खाते में, उसके अलावा विजय कांत के खाते में, सहवाज के खाते में, और कभी कभार जरूरत पड़ी तो नीतीश रेड्डी भी आके डाल सकते हैं। और पहला ओवर जो है वो मैंने देखा अधिक टाइम अभिषेक शर्मा भी डाल के चला जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके। पहला नाम और घातक नाम, और जैसा कि सामने वाली टीम के पावर प्ले के गेंदबाज हैं, भाई साहब अगर ट्रेविस हेड 20-25 बॉल में खेला वेला कर दे तो कोई आशाजनक बात तो नहीं है। ट्रेविस हेड का देखिएगा हेड टू हेड एक मैच में सिर्फ 19 रन, वेन्यू पे 6 मैच में 271 रन, 55 का एवरेज, रिसेंटली 89 पे 90, 48 58 13 1। अभिषेक शर्मा हेड टू हेड 4 मैच में 141 रन, एवरेज 35 का, वेन्यू पे 13 मैच में 258 रन, 2 विकेट, रिसेंटली 75, उससे पहले लगातार 4 बुरा नॉक, 11 12 15 31। नीतीश रेड्डी हेड टू हेड में देखिएगा नहीं खेले हैं, वेन्यू पे 5 मैच में 130 रन, 22 का एवरेज, रिसेंटली डू नॉट बैट, 20 रन, 0 विकेट, 76 पे 90, 0 विकेट, 15 रन, 0 विकेट, 13 रन। ध्यान रखिएगा काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है नीतीश रेड्डी। अगर ये इम्पैक्ट वाला रूल नहीं आया होता तो मुझे लगता है नीतीश रेड्डी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज बन के सामने आ जाते, तब वहाँ पे ये 3 से 4 ओवर गेंदबाजी करते प्लस बल्लेबाजी से बेहतरीन खेली रहे। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के वजह से आप मानो ना मानो ऐसा भविष्य में आने वाला टाइम होगा जहाँ पे हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर बन के नहीं आएंगे कोई भी, क्योंकि हमने तो भाई इम्पैक्ट प्लेयर में पार्ट टाइमर से काम चलवाना ही नहीं है। ना विजय शंकर गेंदबाजी कर रहे हैं, ना अभिषेक शर्मा, ना नीतीश रेड्डी। उसके अलावा इस पिच पे प्लस हेड टू हेड दोनों जगह जिसका स्टेट लाजवाब है, नाम है हेंड्रिक क्लासेन। ध्यान रखिएगा कैप्टनसी के ये भी अच्छे मटेरियल होंगे, हेड टू हेड 2 मैच में 88 रन, वेन्यू पे 11 मैच में 393 रन, 63 का एवरेज, रिसेंटली डू नॉट बैट, 2 42 पे 90, 20-7, अब्दुल समद हेड टू हेड 2 मैच में 33 रन, वेन्यू पे 10 मैच में 109 रन, 36 का एवरेज, रिसेंटली डू नॉट बैट, 3 डू नॉट बैट, 19-10। सनवीर सिंह हेड टू हेड 1 मैच में 7 रन, वेन्यू पे 1 मुकाबला खेले, बैटिंग नहीं आया है, रिसेंटली डू नॉट बैट, 8 पे 90, 39 रन, 0 विकेट, 18 और 0 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे नीचे से तो शहबाज अहमद, इनका देखिएगा हेड टू हेड 3 मैच में 24 रन, 3 विकेट, वेन्यू पे 6 मैच में 58 रन, 3 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 10 रन, 0 विकेट, 0 विकेट, 7 रन, 0 विकेट, 40 रन, 0 विकेट। जयदेव उनादकट हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पे 13 मैच में 19 विकेट, मस्ट पिक, ट्रम्प कार्ड में आ जाएंगे, नीचे में सामने वाली टीम विकेट फेंकेंगी तो इनको ठीक ठाक विकेट मिल भी सकता है। फिर यहाँ पे रिसेंटली लास्ट के 5 मैच में 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। पैट कमिंस हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच 39 रन, 9 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 35 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 31 रन, 1 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे भुवनेश्वर कुमार हेड टू हेड स्टेट्स लाजवाब, 4 मैच में 7 विकेट, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए यहाँ पे उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। रीजन क्या है कि सामने के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं सुदर्शन और शुभम गिल, वो तो 3-4 ओवर बॉल देखने में लगा देते हैं और वहाँ पे इनका हो सकता है पावर प्ले में 3 ओवर यूटिलाइज हो जाए और वो लोग जल्दी विकेट ना फेंके। फिर यहाँ पे वेन्यू पे 50 मैच में 49 विकेट, लास्ट के 5 मैच में 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। विजय कांत वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। श्रीलंका के स्टार स्पिनर है जिनका तारीफ अश्विन ने भी कर दिया है भाई साहब, और अभी नहीं किया, रिसेंटली इन्होंने कुछ टाइम पहले किया था कि विजयकांत अच्छे स्पिनर हैं और ये अश्विन से टच में भी रहते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, 10th ओवर्स
नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट। एज एन इम्पैक्ट टी नटराजन आएंगे जो देखिएगा हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 12 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। मेरा मानना है कि अगर SRH को आगे अच्छा करना है तो उनको एडन माक्रम को बैक करके चलना चाहिए। रीजन क्या है माक्रम को बैक करने का कि ये अगर मान लो कि SRH का हो जाता है 40 पे 3, 45 पे 3 विकेट, तो वो इनके पास वो पोटेंशियल है जो 50 बॉल में 70 कर दे। अब आइए हम मैचअप्स को लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले मैचअप्स ट्रेविस हेड का। ध्यान रखिएगा स्पिनर के सामने ये फंसेंगे, सामने क्वालिटी वाले स्पिनर हैं स्पेशली राशिद खान। 9 बॉल खेले 15 किए, 1 दफा आउट हुए हैं ट्रेविस हेड। नूर का 2 बॉल 1 रन किए, 1 दफा आउट हुए हैं। माक्रम का देखिएगा राशिद का 42 बॉल रन 35 आउट हुए 2 टाइम्स। उमेश का 8 बॉल 20 रन 2 दफा आउट हुए हैं। मयंक अग्रवाल उमेश का 33 बॉल रन 32 आउट हुए 2 टाइम्स। तेवतिया का 16 बॉल रन 34 आउट हुए 1 दफा। क्लासन राशिद का 34 बॉल 64 रन 2 दफा आउट हुए। लिटिल का 10 बॉल 19 रन 1 दफा आउट हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा अभी जो हम बात करेंगे वो मैच हमारी डेमो टीम होंगी। फाइनल टीम में कुछ भी बदलाव होता है उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पर जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेनी है। फिलहाल जो मेरी फैंटेसी की टीम है वो आपके सामने है। मैंने विकेट के पीछे क्लासेन को लिया है, बैटिंग से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, सुदर्शन को, ऑलराउंडर से के नीतीश रेड्डी को, बॉलिंग से कमिंस, मोहित शर्मा, राशिद खान, नूर अहमद और टी नटराजन को। इसमें से मैं कुछ बदलाव कर सकता हूं जो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। कैप्टनसी की बार ट्रेविस हेड, क्लासेन, अभिषेक शर्मा और यहाँ पे नीतीश रेड्डी, इन 4 में से किसी को भी देखे जा सकते हो। गेंदबाजी में राशिद खान और पैट कमिंस, इन दोनों में से किसी एक को मैंने फिलहाल यहाँ पे कैप्टनसी की भार थोड़े से अलग किए हैं। कैप्टनसी मेरे होंगे शुभम गिल, वीसी मैंने दिया अपनी टीम में साई सुदर्शन को। आप चाहो तो वीसी का कॉल खुद से भी लेके चल सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी GLGL जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।